हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत अगेन फ्रॉम कोलकाता। तो आज मैं जो वीडियो आप लोगों को सामने लेकर आया हूँ सिखाने के लिए फ्रेंड, आज मैं इसमें डिस्कशन करूंगा व्हिच इज द बेटर रेडीमेड और ऑर्डर। तो रेडीमेड में जो ड्रेस बाजार से हम लोग ले आते हैं और जो ऑर्डर ही हम बनाते हैं, इसमें बेटर यानी कि अच्छा कौन सा है और क्यों अच्छा है, तो इसके लिए इस वीडियो होगा। और आप लोगों को अगर जानना है ये दोनों में से बेटर क्या है, क्योंकि आज बाजार में क्या चल रहा है, रेडीमेड में इतना अच्छा क्वालिटी आ रहा है और ऑर्डर भी तो है, आप अपना मन चाहे आप बना सकते हो कोई, मगर जो रेडीमेड जो मिलता है बाजार में और हम लोग ऑर्डर ही करके जो तैयार करते हैं, उसमें दोनों का फर्क क्या है, तो चलिए मैं दिखाता हूँ। अपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो यूट्यूब में जाकर और चैनल को अब ढूंढ नहीं पा रहा है, तो चैनल यूट्यूब में जाकर आप प्रशांत कौर लिखिए और पी लिखने से ही हमारा नाम आ जाएगा, उसके बाद क्लिक कर दीजिए और उसके बाद देखिए सबसे पहले जो फेस रहेगा और साइड में जो नेम है उसे क्लिक कर दीजिए और ये हमारा चैनल में लेकर आएगा। उसके बाद आप यहाँ से कोई भी एक वीडियो उठा लीजिए और उसके बाद देखिए साइड में जो रेड वाला बटन है सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसमें क्लिक कर दीजिए और साइड में बेल में क्लिक कर दीजिए। और बेल में क्लिक करने से क्या होगा फ्रेंड, हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो इंस्टेंट ही आपके पास चले जाएगा और आप लोग सबसे पहले देख पाएंगे वीडियो। रेडीमेड में क्या होता है, बेसिकली एक लेवल पे चलता है, एक साइज में चलता है। आप लोग अगर हमारे चैनल को आप लोग फॉलो किया है तो देखेंगे हमारा जो ब्लाउज का जो एक साइज होता है वो अलग होता है, कुर्ती का जो एक साइज होता है वो अलग होता है, और जो हाउस कोट वगैरह कोई भी ड्रेस दिखाता हो हम एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलता हो। और वो स्टैंडर्ड बोले तो वो क्या है, स्टैंडर्ड क्या है मैं थोड़ा सा इस जगह में आप लोगों को बता दूं। स्टैंडर्ड ये है जैसे कि आप फुटपाथ में देखेंगे जो 32 करके जो ब्लाउज बेचते हैं जो लोग, और हम लोगों को 32 बोले तो 36 हाई वस्ट होता है, उन लोगों को 32 बोले तो शायद 32 ही हाई वस्ट होगा। तो वो क्या है, और स्टिचिंग भी बहुत ही चालू है, स्टिचिंग यानी कि इतना बड़ा बड़ा स्टिच होता है, हम लोगों का स्टिच छोटा होता है और जो हम लोग जो कपड़ा यूज करते हैं वो पाका होता है, फर्स्ट कलर होता है, उन लोगों को वो फर्स्ट नहीं होता है, तो इसी तरह स्टैंडर्ड मेंटेनेंस होता है। तो मैं वो रेडीमेड के लिए मैं नहीं बोलूंगा, मैं जैसे कि बोलूंगा शॉपिंग मॉल में जो आजकल जो ड्रेस बिक रहा है तो उसके बारे में बोलूंगा। तो वो उन लोगों का जो क्वालिटी आ रहा है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है, क्योंकि उन लोगों को अपना क्वालिटी मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी है और उन लोग करते भी है। तो हम लोग जो शॉपिंग मॉल से जो खरीदते हैं तो सभी ड्रेस में नहीं होता है, कुछ जैसे कि कुछ ब्रांडेड जो कंपनी होता है उन लोगों का प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो आजकल बहुत ही शॉपिंग मॉल क्या कर रहा है, जो क्वालिटी खराब कर रहा है, तो हमें उसके बारे में नहीं बोलना है। तो क्या है जैसे कि जो शॉपिंग मॉल होता है उन लोगों को मानिए जो फ्री साइज होता है, तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, फ्री साइज एक ही बना देते हैं, चलो सभी ड्रेस के लिए एक ही फ्री साइज है, फ्री साइज है। तो फ्री साइज क्या है, उसके वास्ट है अलग, उसके जो लोग फ्री साइज तैयार कर रहा है ये उसके हिसाब से होगा। अब मानिए वो एक कुर्ती बना रहा है जिसका मैक्सिमम जो हाई वास्ट है उसका उन्होंने रखा है 44 रखा है, तो उसी हिसाब से जो ड्रेस उन्होंने तैयार किया है तो वो ड्रेस जितना नीचे तक जो साइज होगा वो लोग भी पहन सकते, मगर उसके ऊपर नहीं जा सकते। और क्या होता है, हम लोग जब ड्रेस तैयार करते हैं 32, 34, 36 ये ज्यादा मार्केट में चलता है और उसके ऊपर थोड़ा सा कम चलता है, और नीचे भी 30 साइज 28 साइज ये ज्यादा नहीं चलता है, तो इसलिए वो लोग इसे लेकर और फ्री साइज बोल देते हैं, ठीक है। तो और अब हमें जो बात बोलना था मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बता दिया, जैसे कि स्टिच के बारे में, जैसे कि कपड़े के बारे में, और वो हम लोग जो स्टैंडर्ड जो रेडीमेड जो सिलाई करते हैं उन लोगों को बहुत स्टैंडर्ड होता है। ऑर्डर में क्या है, ऑर्डर में आप लोग देख रहा है कौन सा स्टिच दे रहा है और उसका फिनिशिंग, क्योंकि उसका रेट ज्यादा होता है। आप ऑर्डर ही एक ब्लाउज तैयार करना चाहे तो आप देख रहे हैं उसका कॉस्ट
अराउंड अब 300 वो ले रहे हैं, अगर 300 में एक रेडीमेड ब्लाउज आप खरीद के आप पहन भी सकते हैं आप, तो दोनों का फर्क तो है ही। और जो रेडीमेड जो आप ले रहे हैं या बाजार से जो खरीद रहे हैं उसमें क्या हो सकता है, अगर 32, 34, 36 इसके अलावा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, 38, 44, 40 इस साइज में मिलेगा, मगर उसमें एक बास्केट लेवल होता है, मगर ऑर्डरी में ऐसे नहीं। ऑर्डरी आपको जिस तरीके से मेजरमेंट देंगे उसी हिसाब से आप लोग बना के देंगे, तो फिटिंग्स के लिए मेरे ख्याल से ऑर्डर ही ठीक ठाक है, मगर जो डिजाइन वगैरह मिलता है वो रेडीमेड में बहुत बढ़िया मिलता है। और वो लोग जो कपड़ा यूज करते हैं और वो कपड़ा हम ऑर्डर ही जो लोग तैयार करते हैं बाजार मार्केट में ज्यादातर अवेलेबल नहीं होता, तो उनके दिखते के देखा जाए जो कपड़ा और जो फैब्रिक का जो क्वालिटी होता है वो रेडीमेड में बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। और उसके साथ अगर रेडीमेड में देखा जाए जितना बाजार में जो क्वालिटी आ रहा है या जो फैब्रिक जो यूज कर रहा है दोनों का दोनों के एक फर्क है। और एक बात होता है जैसे कि ऑर्डरिंग में हम लोग क्या करते हैं अपना पसंद हिसाब से हम लोग डिजाइन कर सकते हैं और अपना पसंद हिसाब से फैब्रिक यूज कर सकते हैं और अपना हिसाब से ही वो जो सीक्वेंस वगैरह लेस वगैरह ये सब हम लगा सकते हैं, कलर भी चूज कर सकते हैं। तो ऑर्डरिंग में ये सब चलता है, मगर रेडीमेड में वो लोग क्या करेगा, वो लोग जो जो कलर तैयार करेगा आपको उसी से हिसाब से आपको वो खरीदना है, तो ये प्रॉब्लम होता है। अदरवाइज आप लोगों को कुछ जो फैशनेबल डिजाइन बोले तो रेडीमेड में बहुत अच्छे आजकल आ रहा है और ऑर्डरिंग में भी बहुत अच्छा आ रहा है, मगर क्या है दोनों में जो डिजाइन का जो फर्क होता है वो क्या है, थोड़ा सा जो रेडीमेड में जो प्रोडक्ट आता है उसका क्वालिटी थोड़ा सा डाउन होता है और जो ऑर्डरिंग होता है तो ऑर्डरिंग का भी डाउन होता है, मगर क्या है जो लोग स्टैंडर्ड जगह से वो लोग तैयार करते हैं उन लोगों का स्टिचिंग क्वालिटी बहुत ही अच्छा रहता है। और दोनों ड्रेस ही आप लोग पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो ऑर्डरी वाला है वो भी अब तो फिटिंग्स होते हैं मगर रेडीमेड में थोड़ा सा फिटिंग्स नहीं होता है, जैसे कि कुर्ती में बोलिए जो कुर्ती रेडीमेड होता है हाई बस यहाँ पर जितना होता है नॉर्मल बस यहाँ से थोड़ा सा काम होता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं उससे बड़ा एक साइज हम लोग यूज करते हैं और उसके बाद क्या होता है इस जगह में कपड़ा एक्स्ट्रा रह जाता है, तो नेचुरली ऐसा ही होता है क्योंकि जो रेडीमेड जो है वो सभी के लिए अलग अलग मेजरमेंट से बनाया नहीं जा सकता है, वो तो एक बिजनेस है, मगर ऑर्डरिंग में आप लोग अपने हिसाब से जो कुर्ती का फिटिंग्स कर सकते हो आप लोग, ये आप लोगों को एक प्लस पॉइंट है। शॉपिंग मॉल से बोलिए और कुछ भी जगह अलग से जगह जो रेडीमेड ड्रेस खरीदते हैं तो बेसिकली मैं बोलूंगा आप फुटपाथ से ड्रेस मत खरीदे, वो एकदम ही अलग होता है, मगर शॉपिंग मॉल का जो ड्रेस है और जो रेपुटेड वाला प्रोडक्ट जो लोग सेल करते हैं वो आप लोग आसानी से यूज कर सकते हो, क्योंकि वो लोग अगर जो वेस्टर्न वगैरह जो ड्रेस बना रहा है उसका अपना उनका क्वालिटी पकड़ रहे यानी कि उसका जो गुडविल है वो ठीक ठाक रखने के लिए वो लोग अच्छे क्वालिटी देते हैं। और इधर बोला जाए आप लोग एक अच्छी जगह से आप लोग ऑर्डर अगर ब्लाउज बनाए और कोई भी ड्रेस बनाए तो वो लोग भी उसके क्वालिटी यानी कि गुडविल को रखते आपको अच्छा बनाते हैं और उस फिटिंग से अच्छा आता है। अब देखा जाए इसका भी लोअर जगह है, जिस जगह से आप लोग बनाएंगे फिटिंग्स नहीं आएगा, स्टिचिंग भी चालू होगा और अंदर में जो आस्तीन वगैरह देगा वो भी खराब होगा, तो देखा जाए दोनों बैलेंस सेम सेम ही है। तो फिर भी आप लोगों को जो दोनों ऑप्शन मैंने बोल दिया है तो आपको जो लगे आप वही करें, क्योंकि डिजाइन तो हर बार ऑर्डरिंग में अवेलेबल नहीं होता मगर रेडीमेड में अवेलेबल होता है, आपका मन चाहे डिजाइन आप लोग खरीद सकते हो। तो इसका बाकी और भी बोलने के लिए कुछ भी नहीं रहा है, आज के लिए इतना सही था, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।